डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तभी जी। शहर के सौंदर्य में चार चांद लगाने वाली ऐतिहासिक आना सागर झील इन दिनों कचरे का केंद्र बन गई है। आना सागर चौपाटी के किनारे कचरे का ढेर इसकी सुंदरता को खत्म कर रहा है। वहीं किसी निजी अस्पताल के द्वारा आज आना सागर झील के किनारे हेपेटाइटिस बी और सी की एक्सपायरी डेट की वैक्सीन को पटक दिया गया। बड़ी मात्रा में फेंकी गई इस वैक्सीन से मछलियों सहित अन्य जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। इसे लेकर प्रशासन ने ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह यादव को मौके पर भेजा, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और वैक्सीन को इकट्ठा कर जब्त किया गया। यादव ने बताया कि वैक्सीन फेंकने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आना सागर झील किनारे चौपाटी पर घूमने आए पर्यटकों ने भी इसे गंभीर माना और नगर निगम सहित अजमेर प्रशासन से झील के किनारे साफ सफाई की मांग की है। ये वैक्सीन है, 5 तरह की वैक्सीन है, लेकिन ये 2016-2017-18 में एक्सपायर हुई है, कोई यहाँ फेंक गया है, इनकम ने जब्त कर लिया है। बाकी कार्रवाई पता करेंगे किसने फेंकी है, उस हिसाब से अननोन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा के ना आगे कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ की दवाई है, किस काम? वैक्सीन हैं ये, अच्छा। हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस ए की इनकी वैक्सीन हैं जी। हम आना सागर आए हैं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई है जयपुर से और मैं उसे आज घुमाने लेके आई हूँ। मैं खुद लॉकडाउन के बाद ही यहाँ आई हूँ और आज यहाँ आके देखा तो बहुत निराशा फील हुई है, क्योंकि यहाँ सब जगह गंदगी है। एक तो मेन हमने आते ही देखा है यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी है, ऊपर से पानी बहुत कम हो चुका है। किसी से पूछा था, उन्होंने कहा है कि यहाँ पानी भर जाता है आना सागर में, वो गेट खोल देते हैं पहले ही, तो यहाँ से पानी बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ पर मतलब सेल्फी लेने के लिए लोग नीचे तक उतर जाते हैं, उससे अगर आगे चले गए और बच्चे उनको देख के अगर चले गए, यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी रहते हैं, अगर वो उनको अंदर देख के चले गए तो कुछ ना कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि वो इसके और ध्यान देंगे और ये सारी जो सफाइयाँ करवाएं तो हमारे अजमेर की ही शान बढ़ेगी। अब मैं मेरी फ्रेंड को बता रही हूँ और उसने आते ही देखते ही मना कर दिया कि मैं अब यहाँ आगे और नहीं घूमना चाहूँगी, तो हमारी क्या इमेज रह गई है। हॉस्पिटल भी है यहाँ पास में, हॉस्पिटल है, उससे दवाइयाँ आ रही है, वो जो भी है, अगर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, अगर वो छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देगी तो अच्छा ही लगेगा। हमारा आना सागर है और मैं खुद स्पेशली उन्हें यहाँ न्यू चौपाटी पे लेके आई हूँ। उसने खुद ने कहा कि न्यू जो बनी है वो उस पर मुझे लेके चलिए, इतनी धूप में मैं उसे दिखाने लेके आई हूँ, मुझे लगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। दवाई तो जो पड़ी है इससे तो काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब दवाइयाँ हमें भी नहीं पता कि ये किस चीज़ की है और किसने यहाँ पर किसने रखी है। अब वो एक बार उन्होंने पटक दी और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो तो बार बार रोज यही करेंगे, और इससे सिर्फ मछलियों पर ही क्या, अन्य कोई भी जीव रहते हैं उन सब पर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा।